मध्य प्रदेश के सतना जिला से बड़ी खबर, ये अपने बता दी कि रेलवे स्टेशन में एक युवक का ट्रेन के ऊपर खड़ा हो भारी पड़ेगा। ये दौरान युवक 25,000 वोल्ट के OHE लाइन के चपेट में आएगा, जिसके छूता युवक बुरी तरीके से झुलसगा और एक झटके में पटरी के नीचे गिरगा। वह बुरी तरह से झुलसा युवक करीब 40 मिनट तक पटरी में तड़पत रहा, पैकी सहायता खातिर आगे नहीं बढ़ा। बताया जाता है कि RPF के जवान खलाए वहां मौजूद रहे, पर मदद खातिर आगे नहीं बढ़े। पूरी खबर अपना खाते लेके आ रहे हैं तो क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सवजने का प्रणाम कही थे, अशुरू कही थे। ये बड़ी खबर से अपना बताए दी कि सतना रेलवे स्टेशन से यह हादसा सौहियाबा है, जहां शुक्रवार का एक युवक ट्रेन के ऊपर खड़ा रहा। ये दौरान युवक 25,000 वोल्ट के OHE लाइन के चपेट में आएगा, लाइन के छूता युवक बुरी तरीके से झुलसका और एक झटके में पटरी के नीचे गिर पड़ा। बुरी तरीके से झुलसा युवक करीब 40 मिनट तक वही हालत में तड़पत रहा, पर क्यों मदद खातिर आगे नहीं बढ़ा। बताया जाता है कि RPF के जवान दूर खड़े तमाशा देखते रहे। वह बाद में मीडिया के दखलंदाजी के बाद कूलिन के मदद से युवक का पटरी से उठाए के एम्बुलेंस में पहुंचावागा और इलाज खातिर अस्पताल भेजा गया है, जहां युवक के उपचार की जा रहा है। अपने बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 में यह हादसा सोहियाबा वक्त हड़कंप मचेगा, जब मानिकपुर से इटारसी की ओर जाए वाली मेमो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 में पहुंची। एक अज्ञात युवक खड़ी ट्रेन के ऊपर चढ़ेगा। जैसे युवक ट्रेन पर चढ़ा तो ऊपर से जाए वाली 25,000 वोल्ट के ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन के चपेट में आएगा, जैसे युवक बुरी तरीके से झुलसका। यह देख के वहाँ मौजूद लोग रेलवे पुलिस का सूचना दी। करीब 40 मिनट बाद रेल पर्सन में मौजूद पुलिस स्ट्रेचर लेके प्लेटफॉर्म नंबर 3 में पहुंचे। तब कहाँ जाए के कुली के मदद से युवक का स्ट्रेचर में रख के रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर ले आवागा और एम्बुलेंस से अस्पताल में उपचार खातिर भेजा गया है, जहां युवक के उपचार की जाला है। अपने बता दी कि घटना में युवक के करंट के कारण 90% झुलस जाए की जानकारी सौहे आई है। युवक के शरीर और पूरा कपड़ा जल चुके रहे। युवक बुरी तरीके से झुलसे अवस्था में निर्वस्त्र पटरी के किनारे पड़ा रहा। बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 में पर मेमू ट्रेन खड़ी रही, जो युवक रहा ट्रेन के ऊपर चढ़ेगा। जैसे ट्रेन के ऊपर से गुजरे वाली 25,000 वोल्ट के OHE लाइन के चपेट में आए से यह हादसा था। बताया जाता है कि युवक असम के रहने वाला है और अब पुलिस जो है युवक के बारे में जानकारी जुटावे में लगी है। अपने बता दी कि उपचार खातिर युवक का जिला अस्पताल भेजा गया रहा, जहाँ से हालत गंभीर होने के कारण अब रीवा के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिन गए। तो दे इजाजत, सतर्क और सुरक्षित रही रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।